हाय, मेरा SIP अच्छा चल रहा है, पर मेरे कुछ सवाल हैं। क्या SIP का भुगतान हर महीने की पहली तारीख को करना होता है? हाय रोहन, जानकर खुशी हुई कि सब बढ़िया चल रहा है। नहीं, तुम अपनी सुविधा के अनुसार या अपने लकी डेट चुनकर भुगतान कर सकते हो। इसे एनी डेट SIP कहते हैं। ये निवेशकों को निवेश की तारीख चुनने में मदद करता है, जैसे कि एक ऐसा दिन जो उनके खर्च और आय प्रभाव के आधार पर उनकी वेतन तिथि या किसी अन्य तिथि के करीब हो। वाह, क्या बात है। लेकिन क्या मैं इस राशि को एक साल बाद बढ़ा सकता हूँ? हाँ, जब आपका प्रमोशन होगा और आय बढ़ेगी तब आप सिस्टमैटिक टॉपअप कर सकते हैं। फिर आप मासिक आधार पर निवेश की गई राशि को बढ़ा सकते हैं। अपने निवेश को धीरे धीरे बढ़ाने पर आपकी धन निर्माण प्रक्रिया में तेजी आती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपए का मासिक निवेश से शुरू करते हैं तो 5 साल के बाद आपके निवेश का मूल्य 8,73,000 रुपए होगा। लेकिन उसी 5 साल की अवधि में हर साल 1,000 रुपए का वार्षिक टॉपअप करने पर आपकी निवेश अवधि के अंत में मूल्य 10,24,000 रुपए होगा, जो कुल 1,50,000 रुपए अधिक है। निवेश की अवधि समाप्त हो जाने के बाद क्या होगा? अपना निवेश शुरू करते समय आपके दिमाग में एक लक्ष्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपका लक्ष्य एक दिन आपके सपनों की कार के मालिक होने का हो सकता है। तो जब आपका निवेश उस स्तर तक बढ़ जाए जहां आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, तब आप अपने निवेश को भुना सकते हैं और उस कार को खरीद सकते हैं जिसके लिए आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, यदि आप पैसों की तंगी के कारण अपने SIP को अस्थायी रूप से रोकना चाहते हैं, तो AMC की मदद से आप SIP पॉज कर सकते हैं। इस तरह आप अपना SIP जारी रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर बढ़ते रह सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि बाजार के उतार चढ़ाव से व्याकुल ना हो, SIP करना ना छोड़े। सब्र का फल मीठा होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आगे चलकर अच्छी धनराशि अर्जित करेगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने SIP को टॉप अप करना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट के जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले स्कीम से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।